एनसीआर में जीटी रोड के साथ लगते विभिन्न गांवों की कृषि जमीन के बंजारी भाव के मुकाबले कलेक्ट्रेट रेट में भारी कमी के चलते गांव के किसानों में भारी नाराजगी है। कलेक्ट्रेट रेट निर्धारित नहीं होने व जीटी रोड के साथ लगते गांवों की कृषि जमीन के सरकारी रेट एक समान नहीं होने के चलते किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि उन्हें दो नंबर में पैसे लेने पड़ते हैं। अगर कलेक्ट्रेट रेट में बढ़ोतरी होगी तो वह अपनी जमीन की कीमतों को एक नंबर में बेच सकते हैं, जिससे सरकार के खजाने में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही कालाबाजारी भी रुकेगी। इसको लेकर किसानों ने पानीपत उपायुक्त से मुलाकात कर एनसीआर क्षेत्र में जीटी रोड के साथ लगती खेत की जमीनों का कलेक्टर रेट बढ़ाने की गुहार लगाई। वहीं पानीपत उपायुक्त ने भी किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या के समाधान के लिए सरकार को लिखा जाएगा। प्रॉपर्टी रेटों को लेकर कालाबाजारी कोई नई बात नहीं है। जमीन बेचते समय किसान करोड़ों रुपए लेता है, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। इसका बड़ा कारण कलेक्टर रेट बहुत कम होना है, जिसके चलते पैसे लेने के बाद किसान द्वारा कोई हिसाब किताब बैंक में नहीं दिया जाता और किसान को टैक्स का डर बना रहता है। पानीपत के गांव पसीना व पड़ोसी गांव झटीपुर और मछरोली गांव के सरकारी रजिस्ट्रेशन दरों में भारी फर्क है, जबकि पानीपत के नजदीक पसीना गांव है। तीनों ही गांव एनसीआर में आते हैं। पानीपत के गांव पसीना व मछरोली के ग्रामीण किसानों ने अपनी समस्या को लेकर पानीपत उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह से मुलाकात करते हुए कहा कि कलेक्टर रेट कम होने के चलते एग्रीकल्चर जमीन बेचते हुए उन्हें करोड़ों रुपए तो मिल जाते हैं, लेकिन कलेक्टर रेट कम होने के चलते वह इसका हिसाब नहीं दे पाते, जिसके चलते किसानों को डर बना रहता है और सरकार को भी फायदा नहीं हो पाता। किसानों ने कहा कि अगर जिले में कलेक्टर रेट एक समान होगा तो किसानों को तो फायदा होगा ही, साथ ही सरकार के खजाने में भी बढ़ोतरी होगी। किसानों ने कहा कि उनका कलेक्टर रेट 14 लाख तो झटीपुर का 22 लाख है, जबकि दोनों ही जीटी रोड के नजदीक व एक ही जिले व एनसीआर में आते हैं। किसानों की मांग पर पानीपत उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांग को सरकार को भेजा जाएगा और उनकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। इसमें सरकार ने समय समय पर जब भी कीमत बढ़ाने की बात करी जाओ तो गाँव में मुनादी वगैरह करवानी चाहिए, जिससे किसानों को पता रहे कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं, हमारी ज़मीन के रेट किस उस पर जा रहे हैं। कोई भी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कोई भी सामान लिया जाता है तो उस पर हमें टेम पर लोन मिला, अच्छा लोन मिला, अच्छी मशीनरी मिले, तो इस हिसाब से अगर जो किसानों को सही हिसाब से मार्गदर्शन किया जाएगा किसानों का, तो उससे जब किसानों का फायदा भी उसी हिसाब से। यानी कि जब 14 लाख रुपए रेट है, हाँ जी, और झटीपुर का 22 लाख रुपए रेट, हाँ, है, आप चाहते हो कि भी कितना चाहते हो? कम से कम झटीपुर को बराबर तो हमारा होना चाहिए। आपसे मिले थे जी, उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है भाई जल्दी बढ़वाएंगे आपका मार्केट रेट बराबर करेंगे। नाम क्या जी? मेरा नाम मोहम्मद शर्मा जी। मिलने आए जी, और हमारे गांव के पसीना कला के कलेक्ट्रेट बहुत कम है जी, और बाजारी भाव 50 लाख रुपए से 3 करोड़ तक है जी, जिससे हमें कृषि उपकरण वगैरह हम खरीदते हैं जी, तो हमें लोन बहुत कम मिलता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव के कलेक्ट्रेट बढ़े जी। अब कलेक्ट्रेट कितने कितना चाहते हो? अब 14,28,000 रुपए कलेक्ट्रेट है जी, हम चाहते हैं 50 लाख रुपए प्रति एकड़ कलेक्ट्रेट बढ़े जी। और जैसे सात वाला गाँव है झटीपुर जी, दोनों गाँव के बाजारी भाव सेम है जी, 50 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक है जी, और कलेक्ट्रेट में काफ़ी अंतर है जी। यहाँ 14 लाख रुपए है पसीना कला में, और झटीपुर में 22,72,000 रुपए कलेक्ट्रेट है जी। तो ये और पसीना कला पानीपत शहर के 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है जी, और झटीपुर 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर आता है। इतना फर्क क्यों है ये तो जी सरकार बताओगी जी, इस चीज का हमें तो ज्ञान नहीं जी। पिछले 6 सालों से कलेक्ट्रेट नहीं बढ़ाए गए जी पसीना कला के जी। कलेक्ट्रेट बढ़ने से क्या रजिस्ट्री? जब रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब को, कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमारा रेट है ना जो बाजार भाव में हमारे को भी मिलना चाहिए, ताकि हम भी कुछ आगे बढ़ सकें। हमारा बाजार भाव से बिल्कुल कम मिल रहा जी, अगर हमें बाजार भाव की मार्केट से मिलेगा तो हम भी कुछ लोन वगैरह ले सकते हैं। सरकारी रेट क्या है, बाजार भाव क्या है? तो बाजार ये 50 लाख से ऊपर 3 करोड़ से ज़्यादा किलो जी, और हम दो नंबर की करवाओगे तो पैसा कहाँ छिपाओगे? गवर्नमेंट पूछेंगे हमारे से पैसा कहाँ से आया, उसका क्या जवाब देंगे हम? हमें अपील कर रहे हैं सरकार से कि हमारा कलेक्ट्रेट बढ़ाया जाए।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।